हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। तो मेरे पिछले वीडियो में हम कर रहे हैं थ्योरेटिकल नॉलेज फ्रॉम बुक। तो यहाँ तक हमने किया था पिछली बार, तो आज हम करेंगे 19th सेंचुरी जेपी ग्रे एंड ई क्रैपलिन। तो पहले मैंने वो डाउनलोडेड पीडीएफ था उससे पढ़ाया था, लेकिन आज मैं आपको बुक से करवाऊँगी। हो सके आप भी तो अपने बुक्स लेके आ जाओ और साथ में फिर इसको स्टडी करते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। जेपी ग्रे थ्योरेस्ट दैट मेंटल डिसऑर्डर वॉज ऑलवेज ड्यू टू फिजिकल कॉजेज एंड एम्फेसिस शुड बी ऑन द रेस्ट एंड डाइट, प्रॉपर रूम टेम्परेचर एंड वेंटिलेशन। इन्होंने क्या कहा था, जो भी हमारा मेंटल डिसऑर्डर है वो किस वजह से होता है, फिजिकल कॉजेज की वजह से ही होगा, और उसका क्या ट्रीटमेंट है, प्रॉपर रेस्ट, डाइट एंड रूम टेम्परेचर और वेंटिलेशन। इसको देखते उन्होंने क्या किया था, ही इवन इन्वेंटेड द रोटरी फैन एंड यूज इट टू स्टेट हॉस्पिटल न्यूयॉर्क। उन्होंने एक फैन भी इन्वेंट किया और उसको हॉस्पिटल में लगवाया भी। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट, वो कौन है, इमिल क्रैपलिन। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इन द एरिया ऑफ डायग्नोसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इन्होंने डायग्नोज भी किया और उसको क्लासिफाई भी किया, ठीक है। ईच साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैड डिफरेंट एज ऑफ ऑनसेट एंड द टाइम कोर्स टू फॉलो अलॉन्ग विद द डिफरेंट क्लस्टर ऑफ द प्रेजेंटिंग सिम्टम। इन्होंने क्या कहा कि ये हर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए पर्टिकुलर एज का एक सेट है और टाइम कोर्स भी है, और साथ में उसमें क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स भी दिखने चाहिए, ठीक है ना। एक सिम्टम नहीं, कई सारे सिम्टम्स नजर आने चाहिए। हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिज़ोफ्रेनिया, सिज़ोफ्रेनिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ ये पूछा ही जाएगा, आर स्टिल यूजफुल। इन्होंने दिया था सिज़ोफ्रेनिया का कॉन्सेप्ट। ही डिस्क्राइब सिज़ोफ्रेनिया एज ए साइकोटिक डिसऑर्डर हैविंग 11 सब टाइप्स। इन्होंने सिज़ोफ्रेनिया को कहा था कि उसके 11 टाइप्स हैं, वेयर रियलिटी कॉन्टेक्ट वॉज सीवियरली लॉस्ट। यहाँ पे सिज़ोफ्रेनिया हमारा क्या होता है, उसमें पर्सन रियल लाइफ में नहीं जीता, मैं थोड़ा भी डिटेल में इसको बताऊंगी, विद डेल्यूजन, फॉल्स बिलीफ एंड हेलोजिनेशन, ठीक है। तो इसमें आपको ये सिज़ोफ्रेनिया, डेल्यूजन एंड हेलोजिनेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे जो है क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये मैंने एक छोटा सा ये नोट रेडी किया है, इसमें आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है सिज़ोफ्रेनिया। सिज़ोफ्रेनिया क्या होता है, सिज़ोफ्रेनिया आप इसको लिख लो, सिज़ोफ्रेनिया इज मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रप्शन इन द थॉट प्रोसेस, परसेप्शन, इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस एंड द सोशल इंट्रैक्शन, ठीक है। ये डिस्ट्रप्शन किस किस में रहेगी, हमारे थॉट प्रोसेस में, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, उनके थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होंगे, उनके इमोशनल हेल्थ सही नहीं होगी, सोशल इंट्रैक्शन का सही नहीं होगा, जो इस चीज़ से जिसको ये सारी प्रॉब्लम होगी। पीपल विद ए सिज़ोफ्रेनिया ऑफन हैव प्रॉब्लम डूइंग वेल इन अ सोशल एट वर्क सोसाइटी, एट वर्क, एट स्कूल एंड इन रिलेशनशिप। जिस पर्सन को ये सिज़ोफ्रेनिया होगा ना, वो पर्सन ना तो अपने काम में अच्छा होगा, ठीक है, एक मिनट थोड़ा मेरा कैमरा शेक हो रहा है, ना वो रिलेशनशिप उसके सही होंगे, ना वो सोशल हो सकता है, ठीक है। ये सारे सिम्टम हमें मिलेंगे जिस पर्सन को सिज़ोफ्रेनिया होगा, ठीक है। सिज़ोफ्रेनिया इज ए साइकोटिक डिसऑर्डर। अब ये आप ये तो बोल देते हो साइकोटिक डिसऑर्डर, अब ये साइकोटिक होता क्या है, वट इज साइकोटिक डिसऑर्डर, तो हम साइकोटिक को साइकोसिस भी बोलते हैं। सो ये है क्या है, इट इज़ ए लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी, मतलब एक इमेजिनेशन जीवन में जीते हैं और एक रियलिटी के कॉन्टैक्ट से बड़ा दूर 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 ही रहते हैं, उनको रियलिटी का एहसास नहीं होता। अगर ये कहेंगे कि दिस चीज इज साइकोटिक, तो आप एकदम समझ जाना कि ये जो है रियलिटी से दूर है। देन आता है डेल्यूशन। डेल्यूशन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्यूशन आर ए फॉल्स बट फिक्स्ड आइडिया दैट कांट बी ट्रीटेड बाय आर्गूमेंट। जिस पर्सन को डेल्यूजन होगा ना, उसका उसको ना ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्यों, उसका फिक्स्ड थॉट है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसका क्या फिक्स्ड थॉट है, जैसे कि कुछ पर्सन होते हैं वो सोचते हैं कि यार वो मेरे से क्लास में चिढ़ते हैं, या मेरी जॉब लग गई है तो ये मेरे से जेलस कर रहा है। अब हो सकता है सामने वाले को पता भी ना हो कि ये क्यों, ही या शी इज़ डूइंग जॉब वट एवर, है ना, पर उसने अपने दिमाग में एक फिक्स थॉट कर लिया कि नहीं ये सब लोग मेरे से जलते हैं, या दो लोग बातें कर रहे होंगे तो सोचेंगे कि यार ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। एक सुपीरियरिटी, अजीब सा कॉन्सेप्ट होता है बेचारे ऐसे लोगों के, तो ऐसे लोगों के साथ आप समझ जाइएगा, आपको दो चार सिम्टम देंगे कि ही इज़ ए विक्टम ऑफ डेल्यूशंस, ठीक है ना। तो ये भी होता है, कई को सेल्फ गिल्टी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा गिल्टी होती है कि भाई मेरी वजह से जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। तो डेल्यूशन के आगे बहुत सारे और भी टाइप्स हैं, बट हमने जस्ट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अभी हमें इतना ही पढ़ना है। देन नेक्स्ट आता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या है, हेलुसिनेशन डिफाइंड एज ए सेंसरी परसेप्शन अकरिंग विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बिना स्टिमुलाई से हमने परसेप्शन, कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मुझे ना रात में कोई दिखाई दिया बट किसी और को नहीं दिखा, तो वो इट मीन्स उसको हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम है।
या कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ऐसी अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है लेकिन और घर पे किसी को नहीं सुनाई देती, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द हेलोजिनेशन। तो अब आपको यहाँ से ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए, हमारा सिज़ोफ्रेनिया डेल्यूशन एंड द हेलोजिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। बाकी ये हम कर चुके हैं, अब नेक्स्ट हम करते हैं 19th century, ये हो गया 19th century, अब हम करेंगे 20th century, इंसुलिन शॉक थेरेपी एंड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। अब इसमें क्या किया था, इस थेरेपी में क्या होता था, 1927 मैनफ्रेड शेकर एंड वेनिसेस फिजिशियन बिगन यूजिंग हायर एंड हायर डोजेज। अब इन्होंने ना बहुत ही हायर डोजेज किसकी स्टार्ट कर दी थी, इंसुलिन की हायर डोजेज देना शुरू कर दी पेशेंट को, लेकिन ये बहुत ही वर्स्ट ट्रीटमेंट था। लेकिन इसमें एक सरप्राइज था कि पेशेंट जो है वो ठीक तो हो रहे थे, है ना, बट कॉमा में भी जा रहे थे, इनफैक्ट कुछ पेशेंट्स की तो डेथ्स हो रही थी, ठीक है। दिस मेथड इज अबंडेड, इस मेथड को छोड़ दिया गया था क्योंकि बहुत डेंजरस था। उसके बाद आता है हमारे पे जोसेफ मेडियम, इन 1920 ऑब्जर्व कि सिज़ोफ्रेनिया वॉज रेयरली फाउंड इन द एपिलेप्टिक, कि जो मिर्गी के दौरे जिनको पड़ते हैं उनके ऊपर जो है सिज़ोफ्रेनिया नहीं होता, और उसके कुछ फॉलोअर ने इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। फिर उनके कुछ फॉलोअर ने कहा था कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाए तो शायद इसको वो जो है पर्सन ठीक हो जाता है, ठीक है ना। ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये थेरेपी होती थी, डॉक्टर इन थेरेपीज को यूज़ करते थे, खासकर उन पेशेंट के ऊपर एक सज़ा जैसी हो जाती थी उन पेशेंट को जो डॉक्टर जिनको मैनेज नहीं कर पाते थे। आप इसको गो थ्रू हो जाइए, बस मैं आपको इसको थोड़ा समझा रही हूँ। इट इज़ इफेक्टिव विद द सुसाइडल पेशेंट, ये थेरेपी सिर्फ और सिर्फ सुसाइडल जो सुसाइड करते थे उन पेशेंट के ऊपर काम करती थी, बाकी ये बहुत ही क्रूअल ट्रीटमेंट था, जो कि अब ये सब चीज़ें नहीं होती। तो आज हम इतना ही करेंगे, मैं फेस्टिवल की वजह से थोड़ा सा बिजी थी, तो इसको अच्छे से समझना, हमने सिर्फ पढ़ने के लिए ये बुक नहीं पढ़नी, समझने के लिए ये बुक पढ़नी है। सो मैं जल्द ही लेके आऊँगी नेक्स्ट टॉपिक, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।